नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में। मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपसे डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस के बारे में जो अस्थमा से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि अस्थमा का परमानेंट इलाज है कि नहीं है, या जो पंप या इन्हेलर अपने यूज करते हैं उसको छुड़वाया जा सकता है नहीं जा सकता, या अस्थमा कितने तरीके के होते हैं जिनके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल रहता है, और ऐसे जो अस्थमा के केस कि होम्योपैथी से परमानेंट ठीक किए जा सकते हैं, या इन अस्थमा से कैसे बचा जा सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे इन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे जो हमारे नए वीडियो आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अस्थमा के केस बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं, या किसी भी एज के अंदर अस्थमा हो सकता है। अब बात करते हैं कि अस्थमा जहां पर भी नाम होता है जानी पहचानी चीज होती है कि अस्थमा किसको है क्या है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन यानी कि पुरानी सूजन एक के प्रोसीजर के तहत बनता है, और वो आपकी जो भी एयरवेज होती है श्वसन तंत्र होता है उसकी नलियों के अंदर धीरे धीरे क्रोनिक इन्फ्लामेशन के तहत उसमें रेस्पॉन्स या बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के तहत वहाँ पर सिकुड़न होने लग जाती है, इन्फ्लामेशन डेवलप होने लग जाता है, उससे धीरे धीरे सिक्रीशन वहाँ बनने लग जाता है। उस सिक्रीशन के दौरान बनने की वजह से या नलियों के अंदर सिकुड़न की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, छाती में जकड़ाहट सी महसूस होती है, छोटे छोटे सांस आने लग जाते हैं, और जो फ्लूइड कलेक्शन होता है उस इन्फ्लामेशन के दौरान उसकी वजह से आवाज़ें आने लग जाती है, यानी कि जैसे सांस के अंदर आवाज़ें आती है, लंग से आवाज़ें आती हैं जिससे विस्लिंग साउंड या वीजिंग साउंड बोलते हैं, यानी कि पास में बैठे हुए व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि इस बंदे को अस्थमा है। अब बात करते हैं कि ये जो अस्थमा होता है या जो जिसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, आपने देखा होगा पंप यूज़ करते हैं, काफ़ी तरीके की मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती है, तो अपन यही सोचते हैं कि बच्चे के अंदर अगर ये स्टार्ट कर दी जाए तो क्या जीवन पर्यंत इनको लेना पड़ता है, कि दोस्तों किस कतई आवश्यकता नहीं होती इन चीज़ों को लेने की। इसके साथ में आप स्टार्ट करते हैं जब आप बच्चे के ये पंप या इन्हेलर स्टार्ट हो जाते हैं, बड़ों के स्टार्ट, उसके साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करने से धीरे धीरे पेशेंट को राहत मिलने लग जाती है, कुछ केसेज में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तुरंत उनको बंद किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे इन दवाइयों को दी जाती है उसके आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, उन दवाइयों की रिक्वायरमेंट आपको कम लगने लग जाती है, तो आप इसको आसानी से पंप या अदर मेडिसिन को विड्रॉ कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो भी अस्थमा आपको डेवलप होता है इसके मेन कारण क्या होते हैं कि जिसकी वजह से डेवलप होता है। दोस्तों जेनेटिक सबसे बड़ा मेन कारण माना जाता है कि जिनके पेरेंट्स को ये चीज़ें होती है तो उनके बच्चों के अंदर या उनकी संस्कृति के अंदर ज़्यादा चांसेस रहते हैं अस्थमा डेवलप होने के। लेकिन इन चीज़ों से भी बचा जा सकता है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कैसे आप जेनेटिकली वाले केस के अंदर बच सकते हैं अस्थमा से। सेकंड जो कारण आते हैं एनवायरमेंटल कोज, यानी कि जिस वातावरण के अंदर आप रहते हैं वहाँ पर कितना पोल्यूशन है, कितने सारे केमिकल्स हैं, कितना धुआं है, कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, कितने तरीके के पोलन ग्रेन्स हैं, उन चीज़ों की वजह से भी आपको बार बार एक्सपोजर होने की वजह से इन्फेक्शन या होने की वजह से इनसे अस्थमा डेवलप हो सकता है। एक जो कारण होता है उसमें होता है वायरल इन्फेक्शंस, बार बार रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो भी बॉडी के अंदर एक एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करने लग जाते हैं, उनकी वजह से भी आपको अस्थमा डेवलप हो सकता है, या काफ़ी तरीके के एलर्जेंस एटमोसफेयर में रहते हैं वो आपके अंदर अस्थमा क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये जो अस्थमा होता है ये कितनी तरीके का होता है। सबसे जो कॉमन जो अस्थमा होता है वो होता है एलर्जिक अस्थमा, एलर्जी के साथ में नॉन एलर्जिक अस्थमा। सबसे जो खतरनाक श्रेणी के अंदर आता है वो एलर्जिक अस्थमा, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान या एलर्जिक सीजन के दौरान होता है वो, उसकी सीवियरिटी बहुत तेज होती है, कई बार होता है कि बिल्कुल अचानक सांस बंद हो जाता है या सांस लेने में तकलीफ होती है, शरीर नीला पड़ने लग जाता है, यानी कि जो नलियां हैं इतना अच्छा बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स करने की वजह से, सिकुड़न होने की वजह से सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है, तो यानी कि एलर्जिक अस्थमा सबसे ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। इसके साथ होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा, यानी कि जो भी कोई भी पार्टिकल्स या किसी भी वजह से जो अस्थमा डेवलप होते हैं एनवायरमेंट की वजह से या केमिकल्स की वजह से या जिनके बार बार कॉन्टेक्ट में आने की वजह से, तो वो होते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा। उसके बाद होता है दोस्तों ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है, कुछ मेडिसिन देने की वजह से भी आपको अस्थमा डेवलप हो सकता है, या ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है, जिन लोगों को फैक्ट्री या मिलों के अंदर वर्क करते हैं उनके उन चीज़ों के बार बार कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ऑक्यूपेशनल अस्थमा क्रिएट हो सकता है। एक होता है नॉक्चुरल अस्थमा, जो एसिडिटी
एसटी के केस या जीआरडी के जो केस होते हैं जिनके अंदर खाना रिफ्लक्स होकर वापस आता है, उन केसेज में ऐसे नोक्टुरल अस्थमा देखने को मिलते हैं जो बार बार ट्रेकिया को इरिटेट करने की वजह से उनके अंदर नली श्वास की जो नलियाँ हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं। दोस्तों इसके बाद जो अस्थमा होता है वो होता है कफ वेरियंट अस्थमा, यानी कि अलग अलग तरीके की खांसी आती है, अलग अलग अस्थमा के अंदर पर्टिकुलर टाइप की खांसी आती है, तो ये अलग अलग टाइप के अस्थमा होते हैं। अब बात करते हैं कि इस अस्थमा से कैसे परमानेंटली निजात पा सकें या कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन होती है पेरेंट्स को, छोटे बच्चों के अंदर अगर अस्थमा होने लग जाता है तो उनको आप कैसे बाहर निकालें। यानी कि मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बार बार अगर एलर्जिक रिएक्शन बच्चों के अंदर, बार बार जुकाम लगना, बार बार खांसी आना, न्यूमोनिया की प्रॉब्लम होना, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ऐसी अगर प्रॉब्लम होती है उनका सही तरीके से होम्योपैथी से इलाज करवाएं, जिससे आपके इन चीज़ों से बार बार होने से बचा जा सकता है और आपका बच्चा उस अस्थमा की तरफ नहीं जाए। यानी कि उन प्री कंडीशंस को अगर सही तरीके से ट्रीट किया जाए तो अस्थमा से बचा जा सकता है। या जो एल्डरली एज होते हैं उनके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन का सही समय पर सही डॉक्टर से सलाह लेके इलाज करवाएं, जिससे इनहेलर या पंप से आपकी फ्रिक्वेंसी कम की जा सकती है उन एपिसोड से एपिसोड के थ्रू, और धीरे धीरे इन मेडिसिन को विड्रॉ भी किया जा सकता है। या जो बचाव के साधन होते हैं कि वायरल इन्फेक्शन से बचें, डस्ट पार्टिकल या पोल्यूशन से बचें, या जिस एनवायरनमेंट में आपको अस्थमा हो रहा है उस एनवायरनमेंट को आप जगह चेंज करके भी इसके अंदर राहत पा सकते हैं। इस तरीके से कॉमनली आप होम्योपैथिक मेडिसिन से बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर अस्थमा में बहुत अच्छा रिलीफ देख सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारा वीडियो टोटल ही अलग से आ रहा है जिसके अंदर टोटल ही मेडिसिन बताई गई है ब्रोंकियल अस्थमा या किसी तरीके के अस्थमा के लिए। दोस्तों किसी तरीके की क्यूरी या किस्सों आप हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके या आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज से भी पूछ सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग, होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।